नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डोमपेरिडोन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डोमपेरिडोन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और डोमपेरिडोन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि डोमपेरिडोन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में डोमपेरिडोन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। डोमपेरिडोन टैबलेट का उपयोग उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और जी मिचलाना आदि समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा डोमपेरिडोन टैबलेट का उपयोग बदहजमी होने पर और खाना खाने के बाद पेट में भारीपन लगना आदि समस्याओं को ठीक करने के लिए भी डोमपेरिडोन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डोमपेरिडोन टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। डोमपेरिडोन टैबलेट को खाली पेट या खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर डोमपेरिडोन 10mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। डोमपेरिडोन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको डोमपेरिडोन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना डोमपेरिडोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डोमपेरिडोन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में डोमपेरिडोन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में डोमपेरिडोन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे शरीर में थकान होना, सिर दर्द, नींद अधिक आना, मुंह में सूखापन, पेट में दर्द और दस्त की समस्या हो सकती है। अगर आपको डोमपेरिडोन टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डोमपेरिडोन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में डोमपेरिडोन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। लगातार 7 दिन से अधिक डोमपेरिडोन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना लगातार 7 दिन से अधिक डोमपेरिडोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को डोमपेरिडोन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को डोमपेरिडोन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं डोमपेरिडोन टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए डोमपेरिडोन टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर ज्यादा जरूरत पड़ने पर डोमपेरिडोन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। वैसे डोमपेरिडोन टैबलेट माँ के दूध में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है, लेकिन इसकी वजह से दूध पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किए गए हैं, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डोमपेरिडोन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डोमपेरिडोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डोमपेरिडोन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।